विद्यार्थियों, चलिए आज की जो क्लास है वो बेसिक तरीक़ा से मैथ का जड़ जो होती है उसको लेके आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मानना है कि आखिर प्लस और प्लस प्लस ही क्यों होता है, माइनस और माइनस माइनस क्यों होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का क्यों लगता है। चलिए आज की इस क्लास में आप सभी लोग को क्लियर होने वाला है। सो आप सभी लोग बेसिक तरीका से आप लोग प्रयास कीजिए कि पेन और कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और प्रयास कीजिए कि जब तक यह क्लास खत्म नहीं होती है तब तक आप इस लाइन में, इस क्लास में बने रहिए, आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा। जो बच्चों का जो क्वेश्चन था, जो विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन था, वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास में बने रहिए। आइए हम लोग जानते हैं कि प्लस और प्लस प्लस ही क्यों होता है। इस नंबर लाइन के जरिए हम लोग जानेंगे कि प्लस और प्लस प्लस ही क्यों होता है। चलिए हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, जैसे कि प्लस फोर प्लस थ्री बराबर प्लस ही क्यों होता है। इसको इस नंबर सिस्टम के जरिए हम लोग क्लियर करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट साइड होता है चिन्ह माइनस और लेफ्ट साइड होता है चिन्ह प्लस, है कि नहीं। आप लोग 5, 6, 7 क्लास, 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, इसके बारे में ग्राफ भी पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है मूल बिंदु, ठीक है, जीरो से राइट साइड होता है प्लस और लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे प्लस फोर, मतलब कि चार बार चलेंगे किधर, प्लस की ओर। यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, है कि नहीं, चार बार चले। अगला फिर कहती है प्लस थ्री है, मीन्स फिर चलेंगे 3 बार किधर, प्लस की ओर। तो चलो ना 1, 2, 3, है कि नहीं। इस प्रकार मेरा चिन्ह प्लस आ जाता है और संख्या जो है प्राप्त हो जाता है 7। इससे प्रमाणित होता है कि प्लस और प्लस प्लस ही होता है, और जोड़ा तो जाता है संख्या को, 4 और 3 कट करेंगे 7, लेकिन चिन्ह भी क्या लगेगा, प्लस। आई होप यहाँ पे फर्स्ट रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप, सेकेंड रूल। ओके, चलिए अब हम लोग इस नंबर सिस्टम के जरिए अब हम लोग जानेंगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या है कि माइनस और माइनस माइनस होती है, माइनस होती है चिन्ह, ध्यान देना, माइनस और माइनस, आखिर माइनस ही चिन्ह क्यों लगता है, ठीक है। इस नंबर सिस्टम के जरिए हम लोग जानेंगे। अरे अरे सुमनवा और रोहित, कहाँ ध्यान है रे, चलो यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पर फोकस रखो, तब ना फिर पूछोगे कि भैया सर ये समझ में नहीं आया। तो आज इस क्लास के जरिए आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए फोकस करो बोर्ड पे, है ना, ध्यान दे यहाँ पे बोर्ड पे। माइनस फोर माइनस फाइव इक्वल टू, आखिर माइनस ही क्यों लगता है। हम संख्या ले लिए यहाँ पे, एक बार ले लिए माइनस फोर और सेकेंड ले लिए माइनस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मूल बिंदु से चिन्ह किधर, माइनस, मतलब राइट साइड की ओर चलेंगे, ठीक है, कितने बार, चार बार चलेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, चार बार चले, है कि नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या है, माइनस फाइव, ठीक है, फिर चलेंगे माइनस की ओर चलेंगे, कितने बार, 5 बार, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार हम लोग पहुंच गए माइनस नाइन पे, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 9, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस, जोड़ते हैं संख्या को, 4 और 5 क्या जाएगा, 9, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा, है कि नहीं। आप लोग को इस नंबर लाइन के जरिए, नंबर सिस्टम के जरिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड रूल, अब हम लोग चलेंगे थर्ड रूल। फर्स्ट और सेकेंड रूल कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग सीखेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल में ये जानेंगे कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होती है लेकिन चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का, है कि नहीं, चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। ये हम लोग नंबर सिस्टम के जरिए जानेंगे कि कैसे लगता है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए माइनस फोर प्लस फाइव ले लिए, है कि नहीं, माइनस फोर प्लस फाइव, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मूल बिंदु पे जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट जीरो पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहला है माइनस फोर है,
पहला चीज है माइनस फोर मीन्स चलेंगे किधर, माइनस की ओर चलेंगे, किधर है, लेफ्ट साइड है कि नहीं, कितना बार चलेंगे, चार बार, एक दो तीन चार, चार बार चले ना। फिर यहाँ पे प्लस फाइव है, सेकेंड स्थान में क्या है, प्लस फाइव है, प्लस की ओर चलेंगे, तो प्लस जो है लेफ्ट साइड है ना, मीन्स जहां तक चले हैं वहां से फिर वापस लौटेंगे किधर, प्लस की ओर, कितना बार चलेंगे, फाइव टाइम, एक दो तीन चार पाँच, है कि नहीं। इस प्रकार मेरा चिन्ह आ गया प्लस और संख्या आ गया वन। तो आप लोग को बताए थे कि प्लस और माइनस क्या होती है, माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिए थे माइनस फोर प्लस फाइव, तो माइनस और प्लस माइनस हुआ है ना, घटा संख्या, तो फोर में फाइव घटा तो वन तो प्राप्त हुआ, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या में लगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पे फाइव है, जिसके कारणवश यहाँ पे चिन्ह प्लस है, इसीलिए क्या लगा, चिन्ह प्लस, है कि नहीं। आई होप ये भी स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टेप। चलिए अब हम लोग सीखेंगे चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में भी जानेंगे हम लोग कि प्लस और माइनस माइनस होती है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले लिए प्लस फोर माइनस सिक्स बराबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जानेंगे इस नंबर लाइन के जरिए। तो पहली बात ये प्लस फोर है, तो प्लस की ओर चलेंगे कितना बार, चार बार, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे एक दो तीन चार, चार बार चले ना। ए ध्यान कहाँ रे सुरेश, अरे बोर्ड पे ध्यान दो ना, तब ना समझ आएगा जी। अगला ध्यान दो, यहाँ पे प्लस फोर है तो कितना बार चलेंगे, फोर बार चलेंगे ना, तो चले एक दो तीन चार, चार बार चले ना। अब हम चलेंगे माइनस सिक्स, ये बेटा ध्यान नहीं दे रहा है, अरे नहीं समझ आएगा बाबू, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो ना, बोर्ड पे, खाली खिड़की तरफ ध्यान देते रहता है गधा कहीं के, ध्यान दो बोर्ड पे। अगला है माइनस सिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ तक चले वहाँ के बाद फिर चलेंगे माइनस की ओर, तो पता है ना माइनस किधर है, किधर है सुमन, राइट साइड है ना, हाँ चलेंगे राइट साइड, तो दाहिना साइड चलेंगे माइनस छः बार चलेंगे, ठीक है। माइनस छः बार नहीं, मतलब माइनस की ओर चलेंगे कितना बार, छः बार, ओके, एक दो तीन चार पाँच छः, है कि नहीं। इस प्रकार मेरा चिन्ह प्राप्त हो गया माइनस और संख्या मेरा प्राप्त हो गया टू। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लस और माइनस हमेशा, माइनस होती है घटता है संख्या, तो सिक्स में फोर घटेगा तो टू तो प्राप्त होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा, है कि नहीं। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को प्लस और माइनस क्लियर हो गया होगा, डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आज के बाद किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, आज के बाद आप सभी लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा 100%। तो इस वीडियो को समझ में आ गया होगा, तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और इस बात को ख्याल रखिएगा जो रेड बटन होगा सब्सक्राइब उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा, और बेहतर बेहतर वीडियो आप लोग के लिए शिक्षा के पर्पस पे, शिक्षा को लेकर आप लोग तक पहुंचने में लेट ना रहेगा। मैं आप लोग के लिए हमेशा जो कमेंट्स करिएगा, जिस तरह का वीडियो चाहिए, मैं आप लोग के लिए मैथ के लिए हमेशा, मैं आप सभी लोग के लिए हमेशा सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहूँगा, पढ़ाते रहूँगा। सो थैंक यू, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।